Morning to my dear student. I welcome you on this platform on behalf of Scholars Public School. मैंने आपको लेसन फर्स्ट क्लास टेंथ जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर है बिहाइव, तो आपकी नाइन्थ क्लास में चलती है उसका जो चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन लिया है. क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका पेज नंबर है 8. पेज नंबर 8 पर ये क्वेश्चन मिलेगा आपको. इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं स्टूडेंट के साथ में भी इसको डिस्कस करूँगा. तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड, क्या वास्तविक दुनिया में भी लेंचो जैसे व्यक्ति होते हैं. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, किस प्रकार का व्यक्ति लेंचो था या है. You may select appropriate words from the box to answer the question. आप appropriate word को select करें इस question को answer करने के लिए. तो students आपने इस chapter को पढ़ा, इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जिसको G.L. Finters ने लिखा है. क्लेंचो नाम का फार्मर रहता है पहाड़ी के ऊपर, उसकी ईश्वर में असीम आस्था होती है और ये विषय बहुत आस्था का है. लेंचो उस पत्र को लिखता है, पोस्ट ऑफिस में डालता है, जब वो किसी माध्यम से पोस्ट मास्टर तक पहुंचता है तो पोस्ट मास्टर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि मुझे काफ़ी विश्वास है पर मुझे ईश्वर में इतनी आस्था और इतना विश्वास नहीं है, काश मेरा भी विश्वास जो है लेंचो जैसा होता. तो वो काफ़ी अच्छा फील करता है, इतना हुनरमंद और व्यक्ति जो कि खेत के अंदर बेल की तरह काम करता है आज मजबूर हो गया पत्र लिखने के लिए. तो वो स्वार्थी नहीं था, ही वॉज नॉट अ ग्रीडी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो बहुत मेहनती व्यक्ति था. पर चूँकि उसकी फसल जो है हेल स्टॉर्म्स की वजह से ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, इस वजह से उसको पत्र लिखना पड़ा भगवान को. तो आप अप्रोप्रिएट वर्ड इसमें चुने. बाद में पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ के कर्मचारी एम्प्लॉयज़ हैं, दे कलेक्ट मनी एंड सेंड टू लेंचो, लेंचो को देते हैं. लेंचो को कम पैसे लगते हैं क्योंकि सभी मिलकर इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते हैं. लेंचो को अपना घर चलाना है, फिर से अपना खेत जो है वो जोतना है, इन दोनों के लिए उसको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, इसलिए भगवान से मदद मांगता है. बहरहाल इसमें वर्ड दिए हैं ग्रीडी, जिसका मतलब होता है लालची, नाइव मतलब अनुभवहीन, स्टूपिड मतलब मूर्ख, अनग्रेटफुल मतलब एहसान फरामोश, जो एहसान के तले नहीं दबता किसी के, एहसान नहीं मानता किसी का, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, कॉमिकल मतलब यूनिक, अनक्वेश्चनिंग का मतलब होता है निर्विवाद, जिसका किसी से कोई विवाद न हो. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले तो ऊपर वाले क्वेश्चन का जवाब देना कि क्या ऐसे लोग होते हैं. तो मुझे लगता है आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी सच अ पीपल इन द रियल वर्ल्ड, मुझे नहीं लगता है कि इस वास्तविक जीवन में ऐसे कोई लेंचो जैसे व्यक्ति होंगे. लेंचो इज अ लिटरेट एंड येट ही डजंट नो हाउ हिज लेटर विल रीच टू गॉड विदाउट एनी एड्रेस. लिफाफे के ऊपर एड्रेस तो लिखा पर सिर्फ उसकी जगह लिख दिया गॉड, एड्रेस नहीं लिखा पूरा, कहाँ जाएगा, गॉड को जाएगा, कौन से पते पर जाएगा ये लेंचो को नहीं पता था. तो लेंचो जैसे लोग मुश्किल से ही मिलते हैं और भारतीय समाज में तो ऐसे आस्था काफ़ी अच्छी है लोगों की. आपने भी देखा होगा अक्सर हमारे समाज में जो है वो पत्रिका वगैरह होती है शादी की, तो भगवान को अर्पित करने के लिए जाते हैं, तो जाते तो हैं पर वैसे कोई लेटर लिख के मदद मांगना ऐसा काम शायद ही इंडियन सोसाइटी में होता हो. तो ग्रीडी वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है. नाइव वर्ड जिसको अनुभवहीन कहते हैं ये वर्ड बिल्कुल उपयुक्त है इसके लिए. स्टूपिड मूर्ख नहीं था, वो काफ़ी समझदार था. अनग्रेटफुल हो ही नहीं सकता है, अनग्रेटफुल का मतलब एहसान फरामोश, जो हमें हमारे पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका हमारे ऊपर एहसान होता है. और याद रखिए जो हमें शिक्षा देता है, हमारी शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है, उसका भी हमारे सर पे बहुत बड़ा एहसान होता है.
उनका एहसान मानना चाहिए। सेल्फिश मतलब स्वार्थी, कॉमिकल मतलब यूनिक, तो यूनिक तो नहीं था वो, ही वॉज अ वेरी कॉमन मैन एंड अनक्वेश्चनिंग निर्विवाद था वो, किसी से उसका कोई विवाद नहीं था। जिसमें दो वर्ड काफ़ी अप्रोप्रिएट है, एक तो नाइव और दूसरा अनक्वेश्चनिंग। नाइव का मतलब होता है अनुभवहीन और अनक्वेश्चनिंग का मतलब होता है निर्विवाद, जिसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए, आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा। और कोई अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके पास होंगे, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं रिवर्ट करूँगा। थैंक यू।